डियर स्टूडेंट सी दैजिक ऑफ इंग्लिश और आई शुड से सम कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स आर देयर अक्सर बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि दा को कभी दा पढ़ते हैं कभी दी पढ़ते हैं तो हम में हमेशा बात को टाल देता हूँ कि बेटा इस चक्कर में ना पढ़ें इस कन्फ्यूजन में ना पढ़ें आप तो बस दा ही पढ़ने कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक्चुअल थिंक क्या है वो मैं बता देता हूँ यदि कॉन्सोनेंट आ जाता है दा के बाद मीन्स आफ्टर दा इफ वी फाइंड ए कॉन्सोनेंट साउंड दैट मीन्स द प्रोनंसिएशन विल बी दा ठीक है इसी प्रकार से यदि दा के बाद में वाउल साउंड आती है जिसे हम वोवेल भी बोलते हैं तो द प्रोनंसिएशन ऑफ द विल बी दी द प्रोनंसिएशन ऑफ टी विल बी दी बिफोर ए वाउल साउंड क्लियर सो सीधा सेकेंड पॉइंट बॉयज ये अपोस्टॉफी है अपोस्टॉफी ये इसका क्या डिफरेंस है इसका मतलब सिंगुलर बॉय है तो उसका अपोस्टॉफी एस लगा है हिंदी में बात करें तो ये हो जाएगा लड़के का सिंगल बॉय और प्लूरल बॉय है तो इंग्लिश में अपोस्टॉफी जो है एस एंडिंग वर्ड्स में फिर अपोस्टॉफी के बाद में फिर एस नहीं लगता है जैसे अभी हम ये लिखें बॉयज और फिर इस तरह से ये इंग्लिश में इनवैलिड मानते हैं इसको क्लियर सो so, ये एस नहीं आती इसको बोलना भी थोड़ा सा प्रांसलेट करना भी थोड़ा मुश्किल रहेगा ज़्यादा तो बॉयज़ केवल इसका डिफरेंस आ जाता है ठीक है ना इसी तरह से गर्ल्स है जो भी है तो वो पीपल और पीपल्स पीपल जनरली इट इज कंसिडर्ड दैट पीपल वर्ड इन इट सेल्फ इज ए प्लूरल एंड नो प्लूरल कैन बी मेड आउट ऑफ पीपल पीपल से कोई भी प्लूरल फिर नहीं बनता है अगर बनता है तो उसका सेंस बदल जाता है पीपल मीन्स पीपल जो आप जानते हो बस दैट द सेम एंड पीपल्स मींस द पीपल रिलेटेड टू मैनी नेशंस तो पीपल्स मीन्स हो जाता है नेशंस नेशंस ये इसका सेंस हो जाता है ठीक है पीपल मींस पीपल दैट जनरल फिस फिसेस इसका भी प्लूरल नहीं होता है लेकिन अगर फिशिस लिखा है तो मीन्स मैनी काइंड्स ऑफ फिशिस मैनी काइंड्स ऑफ फेसिस ये सेंस इसका आता है मीन्स अलग अलग स्पेसीज अलग अलग प्रजातियों की मछलियाँ हों तो उनको फिसेस बोलते हो एक ही प्रजाति की बहुत सारी मछलियाँ हों तो फिश ही रहने देंगे क्लियर दूसरी बात जब फूड की बात आती है एक फूड भी है अगर इसको फूड के रूप में लेते हैं तो तो फिर वो कोई दिक्कत ही नहीं अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा तो फेस रहेगा ही ये क्लियर हुआ ना कंफ्यूजन फिर देखिए गाई गाई वर्ड आता है बॉय के लिए किसके लिए आता है बॉय के लिए गाई मीन्स बॉय लेकिन गाइज मीन्स हो जाता है बॉयज प्लस गर्ल्स बोथ को कंबाइन करके बॉयज भी बहुत सारे हैं गर्ल्स भी बहुत सारी हैं लॉट ऑफ बॉयज एलोट ऑफ गर्ल्स मैनी बॉयज मैनी गर्ल्स या मैनी बॉयज वन और टू गर्ल्स या मैनी गर्ल्स वन और टू बॉयज लेकिन अगर केवल बॉयज हैं तब भी आप गाइज कह सकते हैं केवल ओनली गर्ल्स हैं तब आप गाइज नहीं कह सकते ये ध्यान रखना गर्ल्स कितना भी बड़ा ग्रुप हो उसमें अगर एक भी बॉय बैठा तो सबको आप गाइज कह सकते हैं क्लियर ये चीज है उसके बाद में मीन्स केवल बॉयज ही हैं ओनली बॉयज़ आर दे आर आल्सो गाइज और बॉयज़ के साथ में गर्ल्स हैं देन आल्सो गाइज ओनली गर्ल्स हैं यू कैन नॉट से गाइज फॉर मोहन वाज इल ही कुड नॉट अटेंड द क्लास यहाँ पे फॉर का ये वो यूज है रीजन के लिए किसके लिए रीजन के लिए और रीजन जब रीजन का कंजंक्शन जैसे बिकॉज है सिंस है है ना एज है तो इसका अर्थ आ जाएगा यहाँ पे चूंकि क्या आ जाएगा हिंदी में कहें तो चूंकि या इंग्लिश में बोले इंग्लिश जो समझते हैं दो यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश दे में थिंक दैट इंस्टेड ऑफ फॉर कैन बी यूज हियर एस आई एन सी ई कैन बी यूज हियर सो फॉर गिविंग द सेंस ऑफ एंड कंजंक्शन ऑफ रीजन सो फॉर मोहन बाजिल मोहन बाजेल ही कुड नॉट अटेंड द क्लास तो आपको सेंस भी समझ में आ गया होगा चूंकि मोहन बीमार था इसलिए वो क्लास अटेंड ना कर सका कोई खास बात नहीं किंग जोंग इंग ये यहां पे मैंने ये बताना चाहा है आई वांट टू टेल यू हियर एट दिस पॉइंट दैट ए कैन आल्सो बी पुट ए बिफोर ए नेम हिटलर इज ए नेम अडोल्फ हिटलर किम जोंग उन किंग साउथ कोरिया के किंग साहब हैं ये तो किंग तो लगाना पड़ेगा और नाम इनका क्या है किम जॉन उम ठीक है ना तो इज ए हिटलर तो हिटलर मीन्स हिटलर जैसा हिटलर मीन्स हिटलर जैसा डिक्टेटर उसके लिए हिटलर आता है ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं मोहन एज दारा सिंह दारा सिंह मीन्स ए बेस्ट रसरल उस क्वालिटी का पता चलता है उसमें ठीक है और एक और आता है किसी के सरनेम के साथ ये लगा दें जैसे ए मिस्टर शर्मा इज कॉलिंग यू एक मिस्टर शर्मा कॉलिंग बन रहा है तो वहां पे एक अर्थ आ जाता है आई डोंट नो इस तरह से है वो छोड़िए वो वीडियो हमारा डला हुआ उसमें देख लेना फिर ये आता है बी जैसे बहुत सारी बर्ब होती हैं गो बेंट गॉन गोइंग गो, गो मीन्स जानते ही हो लीव करने के लिए जाने के लिए आता है फॉर इसी प्रकार से ये बर्ब होती है बी बी मीन्स होना और इसकी सेकंड फॉर्म बाज थर्ड फॉर्म बीन और फोर्थ यानी आई फॉर्म इसको बोलते हैं बीइंग इनके नाम भी आप जानते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल सॉरी आई एम सॉरी प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट या पास्ट पार्टिसिपल भी कह देते हैं इसको इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं अब देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग का कहें या फाइनाइट वर्ब के रूप में ये इज आर एम के रूप में यूज होता है बाद के साथ प्लूरल भी है तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ अभी तो इतना ही कह पाऊंगा कि है जब के साथ थर्ड फॉर्म आती है सो आपकी बीन हमेशा आती है इसीलिए जब भी ज़रूरत पड़ती है हमें तो बीन आती है ये फर्स्ट फॉर्म है मीन्स बी की थर्ड फॉर्म अगर बीन है तो इज की थर्ड फॉर्म ए एम आर की थर्ड फॉर्म भी बीन ही होगी इज में ए एम आर एम में आई एन जी लगाओगी अगर आप तो बी ही बनेगा ए एम आर की थर्ड फॉर्म, एए, फॉर्म बाजबर, लगाओ लगाओ, लगाओ। अगर बाजबर सेकेंड फॉर्म अगर बाजबर है तो बी की भी सेकंड फॉर्म बाजबर ही रहेगी बाजर की थर्ड फॉर्म ये है और बाजबर में, में आई एन जी लगाओगी तो फिर भी बी हो जाएगा तो ये किसी भी नॉर्मल बर्फ की तरह ये है इसका अगर ज़्यादा देखना है तो इसके लिए वीडियो हम बाद में डाल देंगे ठीक है ना थैंक यू